नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज, मैं अमित भोबिया। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद उसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। तीन तलाक कानून के तहत पहला मुकदमा दर्ज हो चुका है और नए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पहला मामला हरियाणा प्रदेश के नूह से आया है और दूसरा मामला महाराष्ट्र के ठाणे से। लेकिन मामला क्या है आज हम आपको बताएंगे। पहला मामला हरियाणा का है। हरियाणा के खिलड़ी नूह की रहने वाली साजिदा की शादी करीब 2 साल पहले पिनगांव के सलाउद्दीन से हुई थी और आरोप है कि शादी के बाद ही उसने दहेज के लिए साजिदा को तंग करना शुरू कर दिया था। इससे परेशान होकर साजिदा ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कर दिया। इसके बाद सलाउद्दीन ने साजिदा की मां को फोन करके बताया कि उसने साजिदा को 3 तलाक दे दिया है, अब वो अपनी बेटी को उसके पास न भेजे। पीड़ित साजिदा ने 29 जुलाई को नगीना थाने में दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई और दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ। जैसे ही 31 जुलाई को 3 तलाक के खिलाफ कानून आया तो 1 अगस्त को नई धाराएं जोड़कर दहेज के साथ साथ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत 3 तलाक का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। दूसरा मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले का है। ठाणे जिले के मुंब्रा में 3 तलाक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। महिला को उसके पति ने पिछले साल नवंबर में व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब इस अधिनियम के आने के बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 की विभिन्न धाराओं के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि 3 तलाक का ये कानून 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ है और 3 तलाक के जो भी मामले 19 सितंबर 2018 को या उसके बाद हुए हैं सभी पर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई होगी। इसके बाद भी कई नए मामले सामने आए। 3 तलाक पर आया ये कानून मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए रामबाण साबित हो रहा है। आपकी इस कानून के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।